हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे रहें और सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। और हम भी बहुत अच्छे हैं। और इधर देखिए, मेरा जो है चावल नहीं चढ़ाई नहीं हूँ और गैस को ऑन भी नहीं किया है मैंने अभी तक। इसमें मैं चावल बनाऊंगी तो पानी वानी सब रेडी करके मैंने रख दिया है। चावल अभी नहीं चढ़ाऊंगी, थोड़ी देर बाद पकाऊंगी। और आधा खाना जो है मेरा बन गया है। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है तो मैं डिनर बना रही हूँ। अर्पित अंदर सो रहा है, मैं भी सो रही थी, मैं सो के उठी हूँ और थोड़ी देर के लिए, मतलब ज़्यादा नहीं सोई हूँ, आधा घंटा सो गई थी। थोड़ा सा मतलब वीडियो पब्लिश वगैरह की और खाना वाना खाई, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर पूरा दिन काम करती रहूँगी ना तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ दोपहर में। तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा बहुत खाना भी बन गया है मेरा। दाल थोड़ा सा मैंने बनाया है और बैगन फ्राई किया है एक, और थोड़ा सा आलू का भुजिया बना हुआ है। आलू और क्या बोलते हैं उसको, आलू और मूली, मूली का फ्राई जो मैंने कल बनाई थी ना, वही थोड़ा सा रह गया था, वही है रखा हुआ, तो फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, बस उतना थोड़ा सा रखा हुआ था। तो वो मुझे बहुत पसंद है, मूली का जो फ्राई होता है ना, मूली का भुजिया, वो मुझे बहुत पसंद है। हम लोग ना मूली को गोल गोल करके फ्राई करते हैं, लेकिन मैंने लंबा लंबा करके काट लिया है आलू के साथ। तो इस तरह से मैंने लंबा लंबा करके काटा है, वही मैंने फ्राई किया था। और अभी मैं आप लोग के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी सूरन की। तो सूरन की रेसिपी बिल्कुल नई तरीके से मैं शेयर करूँगी। मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोग को बताया है, कुछ दिन पहले मैं बनाई थी सूरन की सब्जी, वो अलग तरीके से बनाया गया था, मतलब मसालेदार सूरन की सब्जी था वो। और आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल नए तरीके से, मतलब इमली वगैरह, वो खट्टा खट्टा सा सब्जी बनता है, तो जो खट्टा पसंद करते हैं ना उनको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले ना सूरन को काट लेते हैं। सूरन पूरा एक है, मतलब कटा हुआ नहीं है, तो मुझे ही काटना पड़ेगा। कल हस्बैंड आए थे, उनको सूरन वगैरह बहुत पसंद है। तो ये जो सूरन की सब्जी होती है ना खट्टे वाला, तो वो अर्पित को भी पसंद है, इसलिए मैं बना रही हूँ और सूरन की सब्जी बनाऊंगी और चावल और कुछ नहीं। और दाल थोड़ा सा मैंने बना लिया है। अगर सूरन की जो खट्टा वाला ग्रेवी के साथ अगर चावल नहीं खाएगा अर्पित, तो मैं उसको दाल के साथ खिलाऊंगी। और तो पता नहीं आवाज़ आ रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा आप लोग। और आप लोगों से एक बात बोलनी है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो मतलब लाइक करते हो ना तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। पसंद आ रहा है तभी आप लोग देख रहे हो, तो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा और हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहले ना मैं सूरन को काट लेती हूँ। और सूरन को काटने के बाद हाथ में थोड़ा सा ना लगता है, तो थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लूँगी और सूरन के मैं काटूँगी। सूरन काटते समय खुजली सा होता है थोड़ा थोड़ा, तो चलिए सूरन को मैं काट लेती हूँ और फिर मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये देखिए सूरन कितना बड़ा है, ये आधा किलो से ज़्यादा है, 750 ग्राम का है। तो इसका मैं आधा बनाऊँगी और आधा कोई अलग रेसिपी बनाऊँगी। तो पहले काट लेती हूँ और तेल लगा लिया है मैंने हाथों में यहाँ पर, तो खुजली नहीं होगा उतना।
बंगाली में बोलते हैं ओल, सूरन को ओल बोला जाता है। और ये जो सब्जी मैं आज बनाऊंगी ना, इसको बोलते हैं ओले टॉक, खट्टा को टॉक बोलते हैं हम लोग। तो ये खट्टा वाला बनता है सब्जी, तो हम लोग बोलते हैं ओले टॉक। तो ओले टॉक आज बनेगा, ओले टॉक। छोटा वाला जो ओल होता है ना, सूरन होता है, छोटा जो सूरन होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन जो बड़ा बड़ा साइज का मिलता है वो उतना हाथ में गले में लगता नहीं है, लेकिन टेस्ट भी उसका उतना अच्छा नहीं होता। ये जो छोटा वाला होता है देसी होता है और अच्छा लगता है खाने में। हमारे गाँव में ना इसका पौधा घर में होता है, घर में ही उगता है, सूरन उगाते हैं मतलब खाने के लिए एक दो। तो वो अगर होगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, उसका पौधा होगा कैसा पौधा दिखता है मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, घर जाएंगे ना तब अगर है तो दिखाऊंगी। मेरे मायके में तो है, मायके में मतलब मेरा जो गांव है मायके में, वहाँ जहाँ हम लोग अभी रहते हैं वहाँ नहीं, जहाँ रहते थे पहले, मैं जहाँ रहती थी वहाँ मैं जाऊँगी तब मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं हमारे घर में, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को वो ब्लॉग। तो बहुत जल्दी वो ब्लॉग आने वाला है, जाएंगे तो मैं आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और प्यार देते रहिएगा। देखिए मैंने काट लिया है और आधा मैं रख दूंगी, आधा कोई और रेसिपी बनाऊंगी। साथ में एक आलू दूंगी। देखिए सूरन की सब्जी के लिए मैंने मसाला रेडी कर लिया है। ये है मेथी, मेथी के दाने एक चम्मच और जीरा एक चम्मच, साबुत जीरा। तो सबको देखिए मैंने फ्राई कर लिया है, अगर धनिया और सौंफ हो तो वो भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैंने, मेरा ना ख़त्म हो गया था तो मैंने और मंगवाया नहीं है, क्योंकि घर जाएंगे तो वो सब चीज़ें जो है वो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने और नहीं मंगाया है। तो ये देखिए ये है, इसको मैं पीस लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने इमली भी भिगो के रख दिया है, तो इमली ज़्यादा पड़ता है। अभी सूरन को मैं और सूरन और आलू को मैं वॉश करके फिर बॉईल कर लेती हूँ। साबुत लाल मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं डालूंगी क्योंकि अर्पित खाएगा, तो उसके लिए निकाल के फिर मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी। नहीं तो साबुत खड़ा मिर्च अगर इसी के साथ भून के अगर डालते हैं ना इस सब्जी में तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन मैं नहीं डाल पाऊंगी। तो चलिए इसको मैं पीस लेती हूँ। साथ में ये देखिए एक प्याज मैं डालूंगी छोटा साइज का। Mm-hmm.
यहाँ पर देखिए सूरन और आलू सब बॉयल हो गया है, और ये रहा मसाला जो मैंने भुना था ना, वो मसाला मैंने पीस लिया है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, और कढ़ाई गर्म होने पर मैंने यहाँ पर डाला है तेल। तो यहाँ पर सूरन मैंने बॉयल किया था ना इसी कढ़ाई में, देखिए थोड़ा सा ना कढ़ाई जल गया है जब कढ़ाई को चढ़ाया तो देखिए यहाँ पर तेल गरम हो गया। उसके बाद मैंने डाला है 5 फ़ोड़न, 5 फ़ोड़न अच्छे से चटक गया। उसके बाद जो बॉयल किया हुआ सूरन और आलू था वो मैंने डाल दिया है, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी था ना उसको मैंने निकाल दिया है। तो ये सूरन में मैंने डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी पाउडर। तो इसको थोड़ी देर मैं चलाऊंगी, मतलब थोड़ा सा फ्राई करूंगी, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी इमली का जो पानी था वो, इमली का घोल, मतलब इमली को भिगो के रखे थे ना तो उसको मैंने हाथों के मदद से थोड़ा सा चटक लिया है, और फिर उसको मैंने डाल दिया है इसमें। तो ये देखिए, और जितना पानी चाहिए ग्रेवी का उतना मैंने डाल दिया, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और सूरन में क्या होता है, पानी बहुत सोख कर लेता है तो ग्रेवी एकदम कम हो जाएगा। तो ये देखिए बॉयल आ गया है, और बॉयल आने पे मैं जो मसाला पीस के रखी थी वो मसाला मैं डाल दूंगी। तो ये सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और सिर्फ बॉयल किया, मतलब बॉयल होने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम पे आप लोग मतलब बना सकते हो ये सब्ज़ी। बॉयल हो जाए उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 से 7 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा इस सब्ज़ी बनाने में। तो ये देखिए मैंने अर्पित के लिए निकाल लिया, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। तो इतना ही मैं ग्रेवी रखूँगी, क्योंकि ये जो ठंडा होगा ना तो इसमें से और थोड़ा सा ग्रेवी जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी बन गई है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ एकदम डिनर के टाइम पे। तो दोनों का खाना हो गया है, मतलब मेरे हस्बैंड का और बेटे का, और दोनों अभी अर्पित खेल रहा है और हस्बैंड कैमरा कर रहे हैं। मैंने उनको बोला थोड़ा सा शूट कर दीजिए तो वो कर रहे हैं, और मैं टीवी देख रही थी और सामने अर्पित खेल रहा था और साथ में मैं खा रही थी खाना। चलिए ये वाला ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।